बड़ा हल्ला करता है, पकड़ तो जाना नहीं है। अभी लाओ, सबको लाओ, सबको बुलाओ। यहीं पर सुनो, विक्की लहरी इसको पकड़ो, नीचे दोनों नीचे पकड़ो। हाँ ब्लैक का है यार। तुम कब निकल रहे? चलो चलो जल्दी चलो। हम निकल आए।
आए थे बाबा जी, अंदर ही पहुंच गए थे। सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन नानी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रू रू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग मित्रों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता, तभी ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया, वैसे सत्वन मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा सत्वन मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है, ना अपने हाथ तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता, अगर काम की इच्छा हुई आपके शरीर को साथ में लेकर, काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया, और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ आप कुछ नहीं कर सकते, और यही पाप पुण्य का कारण बनाता, यही तुमको भोगों की तरफ ले जाता है, अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों में बताता है, फिर 484,000 नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता है। ऐसा सत्वन मन यह सबको बेचैन किया, और अभी तक आपने इसको समझ नहीं पाया। तुम कहते हो पड़ोसी ठीक नहीं है, ये बुराई करता, ये निंदा करता, ये खराब, ये कभी नहीं कहते कि मेरा मन ही खराब है, ये बुरा ही क्यों सोचता है, ये दूसरों की निंदा चुगली क्यों करता है, सबसे ईर्ष्या द्वेष क्यों करता है, ये अच्छा क्यों नहीं सोचता है, खराब मन है आपके तो ये खराब खराब। इस शैतान मन को ठीक करना सुधारना ये इंसान की बस की बात नहीं है। जब पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे खाल के जाल। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, ये काल के दौर से और मन से वही बच पाता है जिन पर सतगुरु दयाल की महान दया कृपा हो गई, बाकी को सबको काल में फंसा के रखा। तीन तीन युग आपके निकल गए, सतयुग त्रेता द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। इसी मन का कहना मानते हो, और मन तुमको बार 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 गंदे गरीब कार्यों में फंसा करके जन्म मरण का कारण बनाता है। इस जन्म मरण से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि नहीं पाए, और तारी शक्तियां जिनको भगवान कहते तो अभी नहीं निकल पाए, तो ये कलयुग का गंदा इंसान कैसे निकलेगा। इसको तो समृद्ध सहयोग की आवश्यकता, कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो इसको अपनी बल ताकत शक्ति से खा करे, तब तो ये ठीक हो सकता है, अन्यथा इसकी बस की बात नहीं है। तुम इतना भोगों में डूब गए हो, निकलना मुश्किल है, और ये भोग ही रोग का कारण बन गया। जब भोग भोगोगे, शरीर को भोगों में लगा दोगे, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तब रोग और बीमारी दौड़ेगी आपके पास। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे, ये संत नाम सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था, 4 वेद 6-7 18 पुराण
1963 और 36 रिचाए जिनमें धर्म चर्चा लिखी गई, इनमें भी संत नाम नहीं। यह संत नाम अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम चला है और उन्हीं से संत मत की स्थापना हुई। जब संत नहीं आए थे किसी जीवात्मा का अंत नहीं था, सब काल माया के देश में काल के भोगों के बनाए जाल में यह सब फंसी पड़ी थी, कोई नहीं निकल पाया अपने व्यवहार। लेकिन जब सतगुरु दयाल आए तो उन्होंने कहा देखो तीन तीन युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो और इसीलिए फंसे पड़े हो, अब जरा मेरा कहना मान लो। तो सतगुरु ने क्या कहा, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कहा जो सतगुरु दयाल तुम्हारे शरीर को निरोग बनाने के लिए जीवात्मा के उद्धार के लिए आए उनका कहना मान, तो तुम्हारा मानव जीवन भी सार्थक हो जाएगा और जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, ये दोनों का वाक्य हो जाएगा। लेकिन सतगुरु का कहना नहीं माना और सतगुरु को नहीं जाना माना पहचाना तो ये तुम्हारा काम कोई नहीं कर सकता, फिर ये आप निकल नहीं सकते। काल माया की मार खाते करते कितने युग निकल गए आपके, अब की बार एक अवसर मौका सतगुरु दयाल ने आपको दिया है कि अपने अपने मानव जीवन को सार्थक कर लो और मानव जीवन में रहने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार कर लो। कहा मैं दोनों काम कराने आया हूं, इतना बड़ा हमदर्द, इतना बड़ा सहयोगी, इतना बड़ा शुभचिंतक, इतना बड़ा रहवर रहनुमा आज तक मृत्यु मंडल पर कभी नहीं आया, कभी आया ही नहीं। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने अनोखा काम, अनोखा प्रभु का नाम और जीवात्माओं को पार करने का अनोखा तरीका और देश दुनिया को सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देने के लिए अनोखी भूमिका व्यवस्था बनाई है। आपने ऐसे अनोखे विलक्षण समृद्ध दाता दयालु को बिल्कुल नहीं पहचाना, न जाना न माना न पहचाना। आपने इनको अपना गुरु बनाया लेकिन ये नहीं जान पाए गुरु का काम क्या होता, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा क्योंकि ये समृद्ध महापुरुष इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। यहाँ गुरु आते रहे, संत आते रहे, सदगुरु आते रहे, लेकिन परम संत सच्चा संतो निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद कभी नहीं आया। ये पहला है मालिक खुद आया हुआ। आप गुरु के चक्कर में मत लीजिए, ये गुरु का काम नहीं परिवर्तन करना, ये गुरु का काम नहीं कलयुग भगाना सचू ले आना, ये समृद्ध मालिक का काम है। आप लेकिन कभी मालिक का इतिहास नहीं रहा, कभी आए नहीं थे, इतिहास ही नहीं बना था। इस ये जीवों को समझाने बताने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम करना पड़ा और इतना प्रचार और इतनी जानकारी इस सृष्टि में किसी ने दी नहीं है जितनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आपने उनको कुछ नहीं। मथुरा जाते रहे, दर्शन करते रहे, सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, उनके वचनों का प्रचार भी आपने किया और नाम दान लेकर सुमरण ध्यान भजन करते रहे, लेकिन गुरु को पहचाना नहीं, अपने मालिक को नहीं पहचाना, ये भी नहीं पहचान पाए ये काम और किसी ने कभी कराया है, इतनी हमदर्दी किसी ने जताई है और इस तरह का अभियान हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने चलाया, ये है जानकारी और ये है मालिक का परिचय। इसीलिए जब मृत्युलोक मंडल पर आए उन्होंने अपना परिचय दिया, क्या कहा, कहा बच्चा मैं राम कृष्ण की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया हूं
न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सत्खंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुते हुए जीवात्माएं ये रहने वाली है, जो आज ये मनु शरीर में इस मृत लोक में बैठी है। कहा मैं इनके वास्ते इनको जगाकर नाम नूर सतनूर पकड़ाकर अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने आया हूँ। प्रभु कितना बड़ा परिचय और आपकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा। वचन बचने बचाने का काम करते, बचन कोई भाषण फिर वचन के लिए नहीं होते, बचन कोई रुपए पैसे धन दक्षिणा लेने के उपचार नहीं किया जाता। बचन जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने के लिए, बचाने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए उच्चारण किया जाता। लेकिन आपने तो समझ में कुछ आया नहीं, इस एक एक बचन को बड़ी सावधानी के साथ संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने उत्तरकांड में पूरा वर्णन किया। यह कलयुग के जीव, कलयुग बड़ा जबरदस्त है, इसने यहां किसी से किसी को निकलने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। जीवात्मा जगाने का अधिकार संत सतगुरु को होता है, और इन युगों में संताएं नहीं थी और इनको मिले नहीं, तो बेचारे अपने अपने लोग तक आज भी सीमित। जब कभी मृत लोग मंडल में मानव शरीर का सौभाग्य मिलेगा और मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और जीवात्मा को जगाने की युक्ति जिनको नामदान कहते हैं ये दे देंगे, और जब जीवात्मा अपने घाट पर बैठ कर नाम की कमाई करेगी तो जीवात्मा का आंख का नाम खुल जाएगा, तब ये अपने घर की तरफ मुखाते होंगे। इसके पहले इसको कोई मोड़ नहीं सकता, जब मोड़ नहीं सकता तो पहुंचा कौन पाएगा। देखिए कितने बड़े आप भाग्यशाली जो ब्रह्मा विष्णु माधव राम के तेती देवता, इनको जो युक्ति नहीं मिली जीवात्मा जगाने की, वो आपको घर बैठे समृत मालिक ने दे दिया। कोई आपकी परीक्षा नहीं लिया, कोई तपस्या नहीं कराया, कोई गृहस्थी परिवार नहीं चढ़ाया, कोई नियम से आपको नहीं बताया, और आपको ये नाम धन जीवात्माओं के धन का दान ये अमूलक धन आपको दे दिया। ना तुमने नाम धन की कीमत समझी, न देने वाले की कीमत, तुम्हारा तो सारा काम ही खत्म हो गया और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और ये काम कोई करा भी नहीं सकता, ये कोई इंसानी शक्ल नहीं करा गया। ये तो जब अनामी धाम से देखो, ये भी एक खास बात है, संतों का आगमन सत्यलोक से हुआ। कबीर साहब से लेकर इस धरती पर इस कलयुग में 750 वर्षों में बहुत संत आए, लेकिन सब सतलोक से आए। इसका मतलब सतलोक से आना जाना रहता है। जब कभी सतलोक की चल नीचे, सतलोक के ऊपर अलग अगम और अनाम तीन लोग हो जाए, जो अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा
और प्रभु नाम का भवसागर से पार जाने का नाम जाप देना लगाएगा। जब जीवात्मा प्रभु नाम पर सवार हो जाएगी तब अपने घर पहुंचेगी, तब ये प्रभु धाम पहुंचेगी। प्रभु धाम पहुंचने के बाद वहां से आना जाना खत्म हो जाता, आवागमन तब बंद होगा। और ये सब प्रगट सब गुप्त संत आए थे, सतलोक से गुप्त संत सतलोक से आते हैं, और प्रकट संत अनामी धाम से आता है। जो प्रकट में आएगा वो प्रचार कर आएगा, घूम घूम कर जानकारी देगा सत्य। बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई ग्राम जिला तहसील ब्लॉक शहर कस्बा गली गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर उन्होंने अपने आने की जानकारी, जगाए हुए नाम की जानकारी, व्यवस्था की जानकारी, परिवर्तन की जानकारी, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा ये सब जानकारी आपको दिया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, एक भी वचन नहीं समझ पाए हो, और इतना जीवन आपका बेकार जाग। सतगुरु त्याग ने तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवात्मा के उद्धार के लिए 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक ये सब जानकारी आपको देते, सब बताते रहे, चिताते रहे, आपको जगाते रहे, होशियार करते। लेकिन तुम्हारी समझाया, 7 साल की मेहनत गुरु की आपने पानी में फेंक दिया। क्या इतनी मेहनत इस भूमंडल पर पृथ्वी पर कोई गुरु किसी संत ने अपने शिष्यों के लिए और जीवात्मा के कल्याण के लिए इतनी मेहनत किया किसी ने? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। ना समझी के कारण ही आप भूल भ्रम संदेह में चले गए। देखिए पहले भी आपसे कहा था कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदायी। अगर शंका परिवार में आ जाए भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देते, इतनी खराब शंका। अगर शंका पद पत्नी के बीच आ जाए कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इसलिए शंका को समझाने बताने के लिए और शंका से दूर रखने के लिए आपको त्रेता का इतिहास लिखे बताया गया। ओ विद्वान ब्राह्मण रावण 4 में 6 7 18 पुराणों का गया था। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है, शिव उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे वो भांति। यह ना जितना कुली ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, और जिसने अपने अखंड तपस्या आराधना से मानी ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर लिया था, लेकिन शंका से नहीं बच पाया। इतना होने पर भी शंका से नहीं बच पाया, बेचारे क्या शंका उसके अंदर हुई जो समय का ऋषियों ने राम नाम जगाया था। उस राम नाम में शंका कहता है भगवान का नाम ही, और राम नाम लेकर जो शक्ति आई कहा ये राम का ये भगवान है ही नहीं। बस नाम में और जो नाम लेके आया तो दोनों में जब शंका हो गई और उसी शंका में सोने की लंका चली गई, शंका में लंका खो बैठा। और आपने समृत सदगुरु में शंका किया तो तुमने गुरु की दया खो दी। दया तो रुपये पैसे से बोल भी नहीं मिलती, इतना बड़ा आपने अपना नुकसान किया। और ये दया से काम होना क्रिया से नहीं है, कलयुग में क्रिया साथ नहीं कृपा साथ है। जब किसी महापुरुष की कृपा दया मेहरबानी हो जाएगी तब तो आपका काम हो जाएगा। बाकी कितने दिन से आपको नाम दान दिया गया, बराबर कर रहे हो, कुछ कर पाए? इसलिए क्रिया साथ नहीं कृपा साथ है, दया है। और दया आपने खो दिया, मिटा दिया, तो अब तो नुकसान हो नहीं आपका। और पीछे कुदरत खड़ी है मार लगाने के लिए, तो बड़ा मुश्किल होगा आपका बचना, बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको तो दिखाई नहीं दे रहा जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कतलेआम में चार को चार और ये छलकपट बेईमानी की है, और इस मनुष्य मंदिर में को आपने मुर्दा मांस और बुद्धि नाशक नशा शराब को डाल करके जो गंदा किया,
इससे कुदरत सख्त नाराज हो गई है और वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। वो तो विनाश लीला करती है और कहा कुदरत कि मेरे एक डंडे छोटे एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा नहरा हो जाएगा। एक सेकंड में 20 करोड़ काल के काल में चली जाएंगे। आपने अपने बचने की युक्ति सोची और बाबा जी ने पहले आपको इशारा करके बताया बज रहा काल का डंका कोई न बचने पाएगा। कहा कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया अब पूर्ण तैयारी में है। अब वो अपना कर्जा मांगेगा आपसे। जो कलयुग का कर्जा आपने लिया कलयुग का कर्जा क्या जानते हो? झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, धोखाधड़ी है, मार काट, हिंसा, चोरी, कतरे आम में चार को चार और गंदा खान पान मन शरीर में डालकर गंदा कर दिया उसको। यह है कलयुग का कर्जा। ये कर्जा दे सकते आप रुपए पैसे धन दौलत सामान का तो कर्जा दे सकते लेकिन ये कर्म कर्जा आप कैसे चुकाओगे? जो आपने कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दी कुंडलों मुर्गा मीट खा के लैट्रीन बना दिया इनको मारा काटा सताया अपमानित झूठ छल कपट बेईमानी ये कर्जा कैसे? अब वो कलयुग कह रहा मैं अपना कर्जा लूंगा तब जाऊंगा। मैं अपना कर्जा मार मार के वसूल करूंगा और कलयुग के एक छप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा नहरा हो जाएगा क्योंकि आपका कर्म कर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे इस कर्म कर्जे के भुगतान के लिए दाता दयालु आए और आपको सेवा में लगाया क्योंकि भजन कर तो कलयुग का जीव कर ही नहीं सकता। वैसे भजन से कर्जा उतर जाता लेकिन भजन आप कर नहीं सकते कलयुग का जीव। क्यों? कलयुग का जीव एक तो तामसी है, तामसी आहार है, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप। लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसीलिए तो लिखे बताया कि कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात वरन कुल खोल। यह सरल भक्ति है। भक्ति करना आसान नहीं है खाड़े की धारा बहुत कठिन है। जब लोग राम हरि भक्ति नहीं कर पाए राम भक्ति नहीं कर पाए कृष्ण भक्ति नहीं कर पाए तो कलयुग में गुरु भक्ति तो बहुत कठिन है वो भी सतगुरु भक्ति तो बहुत कठिन है। अगर सतगुरु की बात मान लो और विश्वास कर लो तो बहुत सरल बहुत सरल। क्योंकि ये खुद आपका काम करने आएगा। काम है तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर दूंगा लेकिन मेरे बच्चों को मान लो विश्वास कर लो तो ये काम तुम्हारा युगो युगो का जो भूला बिछड़ा है ये मैं सब पूरा कर दूंगा। लेकिन कम से कम भजन तो कर लो। आपने कुछ नहीं किया कुछ भी आपने नहीं किया। जब कुछ किया नहीं है कोई करनी नहीं तो आपको फल कैसे मिलेगा? वो तो करनी करके फल पाया जाता है और तुम्हारी सब खोटी करनी सब बुरी पाप में करनी मार काट हिंसा की करनी गंदे खान पान की गंदे भाव विचारों की लिहाजा तुम्हारी कोई जब अच्छी करनी नहीं है तो अच्छा फल आपको कैसे मिलेगा? बड़े ध्यान से सुनिए समृद्ध दाता दयालु किस लिए आया? गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस में इशारा किया है आगे घोर कलयुग आ रहा। जब कलयुग का जीव गुरुओं को भूल जाएगा संतों को भूल जाएगा सदगुरुओं को भूल जाएगा तब परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। प्रेमियों मालिक खुद आया हुआ तुम गुरु गुरु के चक्कर में बैठे हो और तभी तुम भ्रमित हो गए हो। ऐसा समृद्ध मालिक भूते न भविष्य न कभी आया न कभी आएगा। ये तो मौज हो गई जो हम सब जीवात्माओं के दुख को देख कर आ गए अपनी इच्छा से। गुरु भेजा जाता तब आता संत भेजे जाते तब आते
सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आता है और अपना काम करके अपनी इच्छा से जाता है, ना कोई बुलाता ना कोई भेजता, ये स्वयं के मालिक मालिक इससे पूछेगा। अरे भाई मालिक को सलाह लेने की क्या जरूरत, वो तो समर्थ है, हर मंडल लोक का जानकार है, लेकिन ये इतिहास आपके पास था नहीं, कभी आए नहीं महापुरुष, हो इस तरह का कोई काम यहाँ हुआ नहीं, इतिहास बना नहीं था, इसीलिए उनको मेहनत करनी पड़ी, जानकारी लेनी पड़ी। इसलिए बाबा जी ने कलयुग के जीवों की शंका संदेह भूल भ्रम दूर करने के लिए अपना पूरा परिचय दिया। क्या कहा? कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई कावर हमको इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। देखो कितना बड़ा परिचय और कितना बड़ा चैलेंज है कि मेरा काम कोई नहीं कर सकता। इस 70 साल की आजादी में सबको समाज सेवा देश सेवा का मौका दिया गया, किसी को 1 पंचवर्षीय किसी को 2 वर्षीय, लेकिन कोई काम हुआ? 70 साल की आजादी को एकदम बर्बादी के कगार पे लाके खा कर दिया, क्या इनको समय माफ करेगा? अरे 70 साल का समय बहुत होता, जब 70 साल में नहीं किया तो अब क्या करेंगे? अब तो व्यवस्था बहुत बिगड़ गई, अब तो एकदम भ्रष्ट हो गई। अब ये कहते कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट, मैं कह रहा कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं, तुम्हारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, तुम अपनी व्यवस्था को क्यों नहीं समझते? कर्मचारी अधिकारी पर दोष लगाते हो, प्रभु इतना बड़ा काम करने के लिए, और ऐसे नहीं कहा मैं वृक्षरोप मंडल पर अब की बार किस लिए आया हूँ, कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, क्योंकि सतयुग त्रेता तो अपन के इतिहास बन गई, वही आपको सुनाए पढ़ाए जाते, जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता, जब वो समय नहीं आएगा वो इतिहास बनने से तुम्हारे काम क्या, कौन सा तुम्हें लाभ मिल जाएगा? केवल जानकारी कर सकते हैं आप, इस युग में कौन आया, उसने क्या काम किया, इसके बाद कौन आया क्या काम किया, ये सब उनके काम की जानकारी, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई काम है नहीं। तुम्हारा कलयुग का तम अनोखा कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, इस काम के लिए कोई नहीं आया, सब रात पांच धन दौलत मान सम्मान सामान पद पत्री बाल बच्चे मिल जाए, इसके लिए तो सभी आए, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, जीवात्मा अपने सच्चे घर पहुंचे, इस काम के लिए कोई नहीं आया। प्रेमियों ये समर्थ मालिक तब कहा था अपना परिचय दे रहे कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने परे युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। कहा मैं ऐसा समय से ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रभु कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी बात है कि मैं सारे विश्व को अपने जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा जगाए नाम के झंडे के नीचे सारे विश्व को झुका दूंगा, सर्व सारा विश्व इस झंडे के नीचे नतमस्तक हो जाएगा, और जो मैंने भूमि का व्यवस्था बनाई विश्व को सुख शांति देने की, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी देने की, महंगाई गरीबी बेरोजगारी खत्म करने की, और मैं मेरी भूमि का व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। प्रभु कितना बड़ा काम,
यहाँ परिवार चलाना मुश्किल है, परिवार को सुख शांति देना मुश्किल है, लेकिन समर्थ मालिका में विश्व को सुख शांति देने आया और विश्व को सुख शांति देकर ही जाऊंगा। मैं न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाकर व्यवस्था चलाकर सबको सुख शांति देकर और प्रमाणित प्रमाणित करके तब इस मोनो चोले से जाऊंगा। इतनी बड़ी जानकारी आपको मिली, लेकिन तुम्हारे समझ में आए तब तो कुछ कहा था बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। मैं इस काम के लिए आया और जब आपको नाम दान दिया तब आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक कि जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बचने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा, जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या प्रभु तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, क्या परमात्मा से मिल गई, क्या घर पहुंच गए तो तुम कहते हो पहुंचाने वाला चला गया, कहते बाबा जी मर गए तो हमने ये काम कौन करेगा, ये काम इंसान के बस का है। और आपने तो ये कहा ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब परिवर्तन करना गुरु भगवान का काम है, कलयुग भगाना सतयुग लाना गुरु भगवान का काम है, जीवात्मा जगाना परमात्मा से मिलाना गुरु भगवान का काम। जिस गुरु भगवान को छोड़कर जो जिनके पास गए हो वो भगवान है, वो भगवान है कि इंसान भी नहीं। अरे जो गुरु को धोखा दे सकता तुमको तो चुटकी बजाते लूट लेगा, तुम समझ नहीं पाओ। जो गुरु को धोखा दे सकता तुम कौन सी चीज उसके लिए, ये तो आपको कम से कम जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए कुदरत ने कानून बनाया, गुरु से कपट संगत से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का। अब वो कानून लागू हो रहा है, जिन्होंने गुरु को धोखा दिया है, गुरु को मुर्दा कहा, आप देखते जाइए तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा ही होते जाएंगे, राम काल मौत प्रत्युनि में जाएंगे। इसके बाद जब जो सेठ जीवन का समय प्रत्युनि में रहेगा और इसके बाद फिर इनको जो गुरु को धोखा दिया और संगत से झूठ बोले हैं और संगत को गुमराह किया ये सजा बाद में मिलेगी। ये तो हजारों जन्म इनके खराब हो गए, ये तो बचने वाले ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नुकसान मानव जीवन का हुआ, तो यह है काल माया का देश। ऐ जीवात्मा तुम्हारा देश है सतलोक, ऐ मन तेरा है धाम त्रिकुटी धाम, तुम दोनों यहाँ पर मुसाफिर के रूप में, मन और जीवात्मा दोनों मुसाफिर करो। कहा तुम्हारा किसी का घर नहीं है, ये काल माया का घर है और ये कुछ वर्षों के लिए आपको किराए भाड़े के रूप में उसने समय दे दिया। समय पूरा होने पर आपकी जीवात्मा को इसी मनुष्य शरीर से निकाल कर, ऐसे नहीं निकालेगा जबरदस्ती तुम्हारे सीने पे लात रखेगा और मार मार पीट पीट कर जीवात्मा को जबरदस्ती के चल चल तेरा समय पूरा हो गया, तू तो वादा करके आई थी हमको मनुष्य शरीर दे दो, मैं किसी संत महापुरुष की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चले जाऊंगा, तूने तो कोई काम किया नहीं, वादा खिलाफी की है, चल जल्दी निकाल इस शरीर से। और निकाल करके उस ओ खुदा के दरबार ओ परमात्मा के दरबार में खड़ा कर दी। फिर वो पूछेगा कि मैंने तुम्हारे लिए संत महात्मा फकीरों को भेजा था, तुमने उनकी बात मानी, उनके वचनों पर वादों पर विश्वास किया, अब क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, वहां तो तुम्हारा कोई हिमाती कोई हितैषी तो बैठा नहीं। तो वो बार बार पूछेगा, जब मेरे भेजे संत महापुरुषों की बात तूने नहीं मानी,
उन पर तूने विश्वास नहीं किया, अब तेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, और जंदूतों को आदेश देगा कि इसको ले जाओ और इस नरक में हजारों साल तक इसको जलाना और सड़ाना और काटना और मारना और पीटना उसको, क्यों इसने सब गुनाह किए। प्रेमी वहां जीवात्मा के रोने की आवाज हजारों मील तक जाती, वहां कोई सुनने वाला नहीं। संत महापुरुषों की जीवात्मा का तीसरा कान खुला है, उस कान से सब आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने जीवात्मा की चीखने चीने चिल्लाने रोने की आवाज को सुना, तब आज आपको समझा रहे हैं कि तुम्हें तो मालूम नहीं वो जीवात्मा का क्या कैसी दुर्गति होगी, और ये शरीर भी जिस शरीर के लिए रातों दिन तुम परेशान हो, रातों दिन इस शरीर के परेशान, एक दिन शरीर भी धोखा देगा। ये थोड़ी जागे तो जला के राख कर दिया जाएगा, इसको नंगा करके जलाएंगे घर के लोग परिवार जला के राख कर देंगे, ये तो जाएगा नहीं। और तुम शरीर के लिए रातों दिन खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी है, इसको नहीं झूठ और छलकबड़ और बेमानी हिंसा और मारकाट चोरी सब करते, और ये शरीर भी एक दिन धोखा दे दिया, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो काल का, शरीर भी काल भगवान का, और शरीर के लिए जमीन दुकान मकान ये भी काल का, शरीर के लिए जो आपने सोना चांदी रुपया पैसे धन दौलत इकट्ठा सामान के भी काल का, शरीर के से जो नाते रिश्ते पत पत्नी बाल बच्चे परिवार बनाए भी काल का, केवल जीवात्मा दयाल की है, बाकी सब सामान काल का। और जब काल का देश छोड़ोगे तो सामान समझे लेगा, सब छीन लेगा। रख दीजिए आप, तुम नंगे माँ के पेट से आए हो और यह सामान मेरा है, ये रख दीजिए, मैं नंगा करके भेजूंगा आपको, नंगा करके तुम्हारे परिवार के लोग ही ले जाएंगे शमशान भूमि पर, लकड़ियों रख के नंगा जला देंगे। अब आप सोचोगे नंगा जलाया जाए किसी, ये सम्मान है कि अपमान है, क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है कि नंगा करके जलाया जाए, और ये अपमान निश्चित तुम्हारा होगा। अरे तुम्हारे परिवार से गांव मोहल्ले से कितने लोग जा रहे हैं, देख रहे हो कोई लेके जा रहा, कोई मकान लेके जमीन लेके बाल बच्चे सोना चांदी रुपए पैसे लेके जा रहा, सब अकेले नंगे जा रहा बेचारा, और परिवार के लोग रहम भी नहीं कर रहे कि शरीर से मकान बनाया था, जमीन खरीदी थी, पढ़ाया लिखाओ हम लोगों को पाल पोस के तैयार किया, सब हम देती खत्म, कहते कुछ नहीं, इसको नंगा करके जलाई और जला के उधर फेंक दो, कितना अपमान। इस अपमान से बचाने के लिए सद्गुरु दयाल आए और आपको सर्वप्रथम नामदान दिया कि जल्दी से आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो, ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। जो जीवात्मा से नाम की कमाई करोगे वो जीवात्मा के साथ जाएगी, जो शरीर इंद्रियों मन बुद्धि चित्त से जो दाम की रुपए पैसे कमाई करो यही छूट जाएगी, वो तो सब परिवार वाले छीन लेंगे आपके लूट लेंगे, और नाम की कमाई साथ जाएगी। और आज तक आपने नाम की कमाई बारे में कुछ नहीं सुना, इसी में पर यहाँ संगत में लोग आए, यहाँ भी रुपए पैसे ढूंढ रहे, यहाँ भी रुपए पैसे ढूंढते हो, ये जितने भंडारे चल रहे हैं सर, कोई एक आध है जिसको सेवा परमार्थी सेवा की चिंता होगी, सब मुनाफा कितना बच जाए। अरे तुम बचाने आए हो कि सेवा करके प्रेमियों को खिलाने आए हो, अगर एक दाना बच जाएगा अपराधी बन जाओगे, क्योंकि प्रेमियों ने जो अन्न का दाना चावल और गेहूं आटा उतार को दिया है ये प्रेमियों को खिलाने के लिए, तुम्हें यहाँ बचाने की सोच रहे ये अपराध और कर रहे हो, एक दाना बच जाएगा अपराधी बन जाओगे, अब उस दाने के लिए हो सकता दोबारा आपको जन्म लेना पड़े, ये भी कर्जा है, उस कर्जे के भुगतान के लिए कौन फिर आपको जन्म लेना पड़े, तो बात तो आप समझते नहीं हो, कितना आपको समझाया बताया जा रहा। एक तो तुम्हें मौका मिल गया सेवा का, और सेवा में भी तुम चला की होशियारी चिंटाई यहाँ व्यापार करने आए, अरे बड़े कर्मों के प्राश्चित को उतारने आए हो,
कर्म कर्जा उतारने आए के व्यापार करने आए, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता? कितनी सजा मिलेगी, कितने हजार प्रेमी सेवा देते, उनकी सारी सेवाओं का कर्जा तुम्हारे ऊपर सिर पे लदा हुआ है। अगर तुमने वो सेवा उसी काम में मत लगाई, नहीं लगाई आपने सेवा के काम में नहीं लगाई, तो तुमको कई जन्म लेने पड़ेगा। और जन्म कौन से, बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर आपको कर्म कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। ये कर्जा उतारे की ये यूनियन शरीर है, और आपको बार बार समझाया जा रहा, एक मौका मिल गया सेवा कर लो, सेवा भजन तो आप कर ही नहीं सकते, सेवा कर लो, और सेवा में आप ये काम करते कर्जा लाद रहे हो, अपराध कर रहे हो आप, तो समझ में कब आएगा? जब कुदरत की मार पड़ेगी तो समझोगे आप। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई थी, सारा मानव जीवन निकल गया, फिर आप पश्चाताप करते, उससे कुछ होने वाला है? वो तो समय से जागना और समय से अपना काम बना लेना, ये समय के बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। वो बुद्धिमान है जो समय से अपना काम बना लेता है, और तुम यहाँ काम बनाते बिगड़ते हो, और समझते बहुत चतुर है, बहुत चालाक, बड़े होशियार है, तुम्हारे जैसा अज्ञानी मूर्ख ये धरती पर कोई नहीं है, यही तुमको सब लिए डालना। तो बार बार आपको गोस्वामी जी महाराज संत मत के प्रेमियों को यही रामचरितमानस में समझाए हैं, उत्तर कांड में सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। कहते हैं आए संत मत के प्रेमियों, जिनको किसी संत महापुरुष से नाम कीर्ति नाम दान मिल गया है, तुम बहुत होशियारी के साथ चलना, एक एक कदम धूप धूप कर, काल ने तुम्हारे चारों तरफ जाल बना रखा, काम करो लोग मोहकारी सारा दोष, यह सब तुमको गिराने के चक्कर में बैठा ले गए हैं। कहा था जिनको नाम दान मिल गया है, बड़ी होशियारी के साथ रहना, जब तुम नाम की कमाई यानी सुमरण ध्यान भजन करने लगोगे तो काल को चिंता हो जाएगी, ये निश्चित हमारे देश से निकलना चाहता, हमारे देश को छोड़ना चाहता है, ये तो क्या करेगा, माया को हुक्म देगा कि जाओ इसको दिखाओ, ये सुमरण नाम की कमाई न कर दे पाए और ये परमात्मा सेवा में लगने न पाए, ये गुरु की चरण शरण में टिकने न पाए और गुरु के वचनों पर विश्वास मत करने पाए, ये सब आपके साथ लगे हुए, तुम कैसे निकलोगे, तुम्हारे साथ कितना बवाल काल ने जोड़ रखा है, और तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, एक तो कोई मदद करने वाला नहीं, मदद करने वाले आए आपने उनको पहचाना नहीं, फिर मदद तुम्हारी कौन करेगी? गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि माया अपनी सहेलियों को हुक्म देगी, माया की सहेलियां जानती रिद्धियां सिद्धियां, आठ सहेलियां हैं, आठ सिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा यानी सुत और प्राकार, सुत और वशीकरण, आठ सिद्धियां, आठ सहेलियों को आदेश देती, जाओ इसको सुमरण मत करने दे, इसके मन को डिगाओ, खराब करो मन को, नाम के जाप से हटाओ उसको, इधर उधर बैठा दो भटका दो, ये काम न करने का है। गोस्वामी महाराज लिखे क्या बताते, तुम्हारे साथ क्या क्या प्रपंच होगा, कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेम भाई आई, ये रिद्धियां सिद्धियां तरह तरह का प्रलोभन लोग लालच आपको देंगे, किसी तरह से ये नाम कमाई छोड़ती, ये सदगुरु की शरण छोड़ती, उनके वचनों पर विश्वास करना छोड़ती, नाम की कमाई करना बंद करती, कि कल बल चल कर जाए चल बाधियां सिद्धियां क्या करेंगे, छल प्रपंच तरह तरह का बड़ा प्रलोभन, अरे भाई तुम क्या चाहते हो, तुमको हवा चले तो हवा चलने लगेगी, तुमको पानी भर जाए तो पानी भर जाएगा, ये सब जहां इतना प्रलोभन दिया बस इसी में आप गिर जाओगे,
इसी में नहीं चल दिया। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जिस जीवात्मा ने अपने सदगुरु दयाल को मजबूती से पकड़ा, चरण शरण को मजबूती से पकड़ा है, उनके वचनों पर पूरा विश्वास किया है, एक एक वचन को अपने सिर माथे रखकर एक एक वचन पर चलने का पूरा प्रयास कर रहा है और नाम की कमाई कर रहा, और नाम की कमाई करके जिसको कुतया अंदर में मिल रही है वो जीवात्मा काल के किसी बहकाने में नहीं आएगी, काल माया के किसी जाल में वो जीवात्मा नहीं फंसने वाली। क्या लिखा है कि वो अभूति जो परम सायानी और तीन तन चीता वह दान ही जानी। जिस बुद्धि में सयानापन निरपर पहचान सूझबूझ सतगुरु दयाल के सत्संग वचनों से सुनकर आ गई है, कहा वो इनकी तरफ देखेगी नहीं, इस काल माया के लोभ लालच प्रलोभन की तरफ कभी देखेगी भी नहीं, ऐसी जीवात्माएं बच पाती है, बाकी लोभी लालची तो कभी नहीं बचे, वो तो काल माया के जीव ही नहीं। सत्संग में आ गए तो क्या सदगुरु के जीवों का, आप ये ध्यान रखिए, टाट बोरा पढ़ने वाला भी सत्संगी नहीं हो सकता, सदरी टोपी लगाने वाला भी सत्संगी नहीं हो सकता, नाम दान सुन लिया गुरु के तो क्या सत्संगी हो गया, जो सत्संग का काम करता था संगत को इकट्ठा करना और सत्संग में आना और संगत को सत्संग में लेके आना और सेवा में सबको लगाना और सबका कर्म कर्जा उतर जाए, ऐसी भावना जो रखता है वो सत्संगी है, उसे सत्संगी कहते। अभी तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता, अभी तो कोई ऐसा मिला नहीं अभी जिसके इस प्रकार के निर्मल भाव हो, जो केवल अपने सद्गुरु को देख रहा हो, अन्यत्र किधर उधर कहीं निगाह नहीं मारता, किसी तरफ भी नहीं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा किसी को देखने पसंद नहीं करती, अगर इस तरह जो सच्चा भक्त और प्रेमी शिष्य होता है वो अपने मालिक के सिवा किसी को नहीं देखता, किसी को कुछ नहीं समझता, न किसी की सुनता है, न किसी तरफ कभी जाता, और अपने मालिक की दी हुई जो रास्ता नाम दिया वो नाम की कमाई में अपना जीवन लगाता है, सेवा में लगा रहता रहता, क्योंकि मन को जब फुर्सत दे दोगे, ये मन खाली मन शैतान का घर, ये मन ही तो खराब है और इसी ने सब खराबी पैदा किया और यही तुमको बार बार काल माया के जाल में की तरह भोगों में ले जाता, उसी में फंसाता रहता है। देखो ये सब जानकारी आपको नहीं, लेकिन आपने कोई जानकारी नहीं। जय गुरुदेव, युग प्रवर्तक सतयुग के निर्माता वैचारिक क्रांति के जन्मदाता परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी, आज विभिन्न प्रांतों से जनपदों शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, आस पास के गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहने पुरुष देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आता विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है। आज एकता आध्यात्मिकता धार्मिकता के सूत्र बंधन में बंधकर इस जंगल में आप एकत्र हुए, ये गुरु की महिमा देखिए। क्या कोई राजनीतिक नेता या राजनीतिक कोई पार्टी इतने लोगों को निस्वार्थ इस तरह जंगल में बैठा सकती, कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर है बिना चंदा सेवा लिए
निस्वार्थ इतने लोगों को इस तरह से जंगल में कोई बैठा सकता। ये देखिए सतगुरु दयाल की, ये दया का प्रमाण है, उनकी मेहनत का ये फल है और उनकी परिवर्तन की ये भूमिका की निशानी है। देखिए ये सब आपको समझना चाहिए, ये छोटा मोटा काम नहीं है, समय का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी चीज है। आज कोई अच्छे काम में करने में आपको सलाह भी नहीं कोई देगा, न अच्छे काम में कोई सहयोग करेगा, इतना समय खराब है। ये है घोर कलयुग, कलयुग माने समझते हो, कलहयुग, कलह मानी लड़ाई झगड़े का युग, और जिसका कलयुग का प्रभाव चारों तरफ देख लीजिए, परिवारों में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पत पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यजनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा है। इतना खराब समय आ गया, इस खराब समय से आप कैसे बचोगे? हमारे पास बचने का कोई इंतजाम है? कोई इंतजाम है आपके पास कैसे बचे? इसीलिए भगवान राम ने भी इशारा किया, त्रेता भी कितने पहले आए हैं, लेकिन कलयुग के बारे में वो भी कह रहे हैं, कलयुग का समय बड़ा खराब होगा। क्या कहा कि सुनो सभी कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के और नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। ऐसा समय आ गया, झूठ छल कपट बेईमानी करने वाले लाभ यानी रईस और धनवान बन जाएंगे, और सच्चा ईमानदारी पर चलने वाला कलयुग में मुश्किल से रोटी पाएगा। इतना खराब समय आ गया। गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए थे और कलयुग के जीवों को सचेत करने के लिए रामचरितमानस लिखा। उत्तर काल में क्या लिखा होगा, कैसा कलयुग आएगा कि कलि काल विहार किए मनुजा, नहीं मानत कछ अनुजा तनुजा। कलयुग ऐसे सबको बेहाल फटेहाल कर देगा, न छोटा बड़े का सम्मान करेगा, न बड़ा छोटे से प्यार करेगा, ऐसा खराब कर चुका। आगे रामचरितमानस में कलयुग का पूरा वर्णन उन्होंने लिखा कि आगे कितना खराब कैसा कलयुग आ रहा। क्या लिखा उन्होंने कि कलि बल के से उधरन सब और लुप्त भय सदग्रंग थे और तम हिन निज मत कर्म करन और प्रगति तीन बहुपंथ। तमाम नबी माने पाखंडी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी तमाम तरह के मत फिर के चला देंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। कलयुग का इतना खराब समय होगा, सबके अंदर मैल मन में गंदे काम, गंदा खान पान, गंदे भाव विचार करने की भावना पैदा हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि लोग भय सब मोह बस और धर्म के सो शुभ कर्म और निज हरियान ज्ञान निधि और कछु की कहो कलि धर्म। गोस्वामी महाराज कह रहे मैं कलयुग के कुछ धर्म को बताना चाहता हूं, सारा मानव जन समुदाय स्वार्थ लोभ लालच में बन जाएगा, बिना स्वार्थ लोभ लालच के कोई भगवान की कथा भी नहीं सुनाएगा, उसमें भी स्वार्थ लोभ लालच बगैर कोई नहीं सुनाएगा। इतना खराब समय आ जाएगा कि मार्ग स्वयं जो भावा और पंडित स्वयं जो गाल बजावा। कितना साफ साफ कह रहे महापुरुष आगे की पंडित माने विद्वान, विद्वानों का काम क्या होगा, विद्वान अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए ऐसा रास्ता बताएगा, चाहे कितना उसमें नरक जाना हो, चाहे जितनी मतलब यानी परेशानी उठानी हो, चाहे जितना पाप हो जाए, इसका ध्यान नहीं करेगा, वो चाहेगा हमको दान दक्षिणा और रुपया पैसा सामान मिल जाए, भगवान मिले चैनल मिले।
ऐसे भाव विद्वानों के वच में कि मिथ्यादम इरंभ रची जोई अता को संत कहे सब कोई। का कलयुग में संत किसको कहा जाएगा? कह रहे मिथ्या माने झूठ बोलने वाला, पाखंड करने वाला, बनावट दिखावट करने वाला, प्रदर्शन करने वाले को संत कहा जाएगा। कलयुग में उसे संत कहा जाएगा। आगे क्या कह रहे कि सोई सयान जो परधन हारी और जो कहूं दंभ सो बड़ाचारी। बुद्धिमान पढ़ा लिखा चतुर चालाक बुद्धिमान किसको कहा जाएगा? जो अपनी वाक्य पटुता से केवल झूठा धर्म का संदेश दे दे सुना सुना कर लोगों की जेबें खाली कर लेगा उसको विद्वान कहा जाएगा। लोगों की जेब का पैसा अपनी जेब में उसे विद्वान कहा जाएगा। देखो कितना एकदम स्पष्ट चित्र दिख रहे, क्योंकि संत महापुरुषों की जीवात्मा की तीसरी आंख कान खुला होता, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ कर देखते हैं। तब आप भविष्य का ये वर्णन कर रहे, भविष्य में ऐसा कर चुका। देखे आगे क्या कह रहे कि जाके नख सिर जटा विशाला सो प्रसिद्ध तापस करी काला। वैसे तपस्या तप माने जला देना, अस्या माने आसाई इच्छाएं, काम करो लोभ अहंकार ईर्ष्या तो स्वार्थ लोभ लालच की आसाओं इच्छाओं को जो जला देता उसको तपस्वी कहते। लेकिन कहा कलयुग में ऐसा नहीं, कलयुग में किसको तपस्वी कहा जाता? जिसके जो बड़े बड़े बाल रखाना जानता, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लाल पीला कपड़ा और छापा तीन तिलक जनेऊ और चंदन और बंधन, बस ये बाहरी पाखंड दिखावट इसी को तपस्वी कहते। गोस्वामी महाराज एक बात बड़ी खास कह रहे, आगे कैसा कलयुग आएगा, नर नारी दोनों के अंदर बड़े बड़े बाल बढ़ाने का, बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक आ जाएगा। देखो 550 वर्ष पहले का आज ये सब लागू हो जाएंगे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक ये नारियों के अंदर, ये सब राक्षसी वृत्ति है। नाखून बड़े बड़े, बड़े बड़े बाल और दांत किसके? राक्षस के होते हैं। ये राक्षसियों का वेशभूषा था। सब कलयुग में देखे आप कैसा वर्णन करते हैं, बिल्कुल जैसे बैठ के देख रहे, कितनी बड़ी चीज देखी आप। आगे क्या कह रहे हैं कि अशुभ भेष भूषण धरही और भच्छा भच्छ जे खाए ते योगी ते सिद्ध नर और पूजित कलयुग माए। जो इनको शोभा नहीं देता, जो योगियों की पोशाक, योगियों का ब्रह्मचारियों का पहनावा, ये छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन लाल पीला सफेद कपड़ा, ये योगियों का है, तपस्वियों का है, ब्रह्मचारियों का, आज सारे भोगियों ने पहन लिया। ये पोशाक सब भोगी बने घूम रहे और चक्कर की भीख मांगते घूम रहे, और तुम जो भोगी और योगी को भी नहीं पहचानते कि भोगी किसे की योगी किसे कहते। देखो कितना साफ साफ लिख रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज देखिए कि जे अपकारी चाकरा तिनका आदर मान और मन के बचने लवार जो कलयुग में बक्ता भय। कलयुग में बक्ता, बक्ता माने बकने वाला, किताब का पढ़ के रटने बकने लगे, किसी की सुन के और बकने लगे उसको वक्ता कहते। और वक्ता वक्त जो समय के सर सतगुरु की शरण में जाकर उनके आदेश हुकुम का पालन करके एक एक वचन पर चलता है और नाम की कमाई करके जो उसको अंदर में अनुभव हो रहा, जो दया मिल रही है, जो उसको बताता है उसको वक्ता कहते। और वक्ता वक्ता में ये फर्क है मेरे लोग, देखो ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। आगे क्या कह रहे
कह रहे ये तो परिवार की, ये है परिवार मतलब समाज की स्थिति, समाज की स्थिति को स्वयं महाराज ने बताई, लेकिन कहा कलयुग में परिवार की स्थिति क्या होगी। और परिवार की शुरुआत बाप बेटे से होती है। गोस्वामी महाराज कह रहे बेटा बाप के प्रति कैसे भाव रखे, का क्या लिख रही है कि सुत मान ही मातु पिता जबलो अबला नहीं देखी लई तबलो। बेटा माँ बाप को कब तक मानेगा, जब तक घरवाली नहीं मिल जाएगा। जिस दिन घरवाली मिल जाएगी उस दिन क्या होगा, क्या कह रही है सुत मान ही मातु पिता जबलो अबला नहीं देखी लई तबलो ससुरारी प्यारी लगी जब थे और गृह नारी निहारी लई जब थे और रिप रूप कुटुंब भय तब थे। जिस दिन घरवाली मिल जाएगी माँ बाप परिवार दुश्मन दिखाई देगा और परिवार माँ बाप के बनाए रिश्ते कमजोर हो जाएंगे और ससुराल के रिश्ते तेज हो जाएंगे। ऐसा कलयुग में पारिवारिक जीवन हो जाएगा। देखिए संतों का अनुभव, मैं इस संदर्भ को इसलिए ले आया हूँ, गोस्वामी महाराज तो 550 वर्ष पहले कहा, जो 550 वर्ष पहले कहा आज वो सही हो रहा। जब उनका झूठा नहीं हुआ तो प्रेमियों इनका कैसे झूठा हो जाएगा। ये संतवाणी कभी मिथ्या होती ही नहीं, देर में सवेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आपको ये सब जानकारी रखनी थी। गोस्वामी महाराज ने कहा कलयुग में सारा मानव समाज कैसे भाव विचारों का हो जाएगा, क्या कहा कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन से करवावें सेवा और जिनके आचरण भवानी और ते निश्चर समूह जानो प्राणी। सारा मानव समाज बूढ़े बुजुर्गों को भूल जाएगा, संत महात्माओं को भूल जाएगा, किसी का कहना नहीं मानेगा, किसी के अनुसार अनुशासन में नहीं मानेगा। आपको स्वयं महाराज लिखते कि सब मनमानी करेंगे, जिसके जो मन में आएगा वही करेगा, जो मन में आएगा वो खाएगा, मन में आएगा वो कहेगा, मन में आएगा वो करेगा। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मने करे सब सोई, ऐसा कलयुग आ जाएगा। देखिए एक वचन है, ये है संत वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मैं इसीलिए आपके सामने रखा, जब गोस्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले आए थे तब उन्होंने रामचरितमानस लिखे रखा, आज वो सब चरितार्थ हो रहा, एक एक वचन उनका समाज पर और व्यक्ति में लागू हो रहा। जब उनका नहीं झूठा हुआ तो इनका कैसे झूठा हो जाएगा। आपको ये ध्यान में सब रखना चाहिए। तो गोस्वामी महाराज ने कलयुग की तो भविष्यवाणी कर दी, सारे युगों की जानकारी और कलयुग की भविष्यवाणी कर दिया कि कलयुग में कैसे लोग होंगे कि ऐसे अधम मनुज खल सतयुग ते तानाही और द्वापर कछु के बंदे बहु और हुई है कलयुग माई। ऐसे अधर्मी निशाचरी गंदा खान पान करने वाले, गंदे कर्म करने वाले, गंदी सेक्स सोबत में रहने वाले, यह सब छठे जीव कलयुग में आ जाएंगे। जब कलयुग में सब अच्छे खराबे जीव आ जाएंगे तो अच्छा काम कैसे होगा। इसलिए हर युग की जानकारी आपको दी कि जब त्रेता था, त्रेता में राजा रावण के द्वारा जब धर्म की व्यवस्था बिगड़ गई, धर्म कर्म बिगड़ गया, माँ बहनों की चर्चा ये सब जब खत्म हो गई तो उस समय का इतिहास क्या गया कि परमात्मा की तरफ से शक्ति कब आती है, क्या परिचय दिया है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और पार है आंसू
तब प्रभु इधर ही मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। काज धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदा था परमात्मा की याद कर मानव के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाएगा। तब परमात्मा किसी न किसी शक्ति को भेजेगा, मनुष्य शरीर में नहीं, पशुओं में नहीं, मनुष्य शरीर में आएगा और वो सज्जनों के दुख को दूर करेगा, सच्चे ईमानदारों को सुख शांति देगा और बुरे काम करने वालों को पहले तो उनको समझाएगा बुझाएगा, जब नहीं मानेंगे तो मार काट के खलिहान कर देगा। ये महाभारत इसी का प्रमाण है और राम रावण संग्राम इसी का प्रमाण है। धर्म के लिए भगवान राम को भी लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये धार्मिक भूमि ऐसे नहीं बनी, इन लोगों ने कितनी मेहनत किया, कितना परिश्रम संघर्ष यात्राएं उठाई, कितने झगड़े किए और दुष्टों को मारा और मार काट के एकदम खलियान कर दिया, तब धर्म की स्थापना कर पाए। आज उसी धार्मिक धरा से धर्म फिर से खत्म हो रहा, कई धर्म आपको दिखाई दे रहा, धर्म की जगह अधर्म बन रहा है, पुण्य की जगह पाप बन रहा है, रहम दया की जगह मार काट हिंसा बढ़ रही है, रक्षा सुरक्षा की जगह चोरी डकैती बढ़ रही है, सब उल्टा ही हो रहा। आपको जो सिखाया कुछ जा रहा हो कुछ ना, ये सब आपको विचार करना चाहिए। जब द्वापर में राजा कंस के द्वारा व्यवस्था दी थी, इतिहास तो ये बता रहा व्यवस्था हमेशा जिम्मेदारों से बिगड़ती, उस समय राजा महाराजा थे, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, व्यवस्था इन्हीं के द्वारा बिगड़ती है और इन्हीं को धराशायी किया गया, इन्हीं को भगवान ने मारा, ये इतिहास भी आपका बता रहा। जब द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी तब गीता क्या इशारा कर रही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना साफ साफ बता रहे, सब जगह सारा धर्म का हो रहा लेकिन कर्म की हानि की बात कोई नहीं दिख रहा। प्रभु धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने व्यवस्था और व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है, अच्छे कर्मों से व्यवस्था बनती है, चाहे शरीर की हो परिवार समाज देव दुनिया की हो। तो गीता इतना करके शांत नहीं हुई, गीता ने और भी कुछ कहा, वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। गीता ने कहा है जब घोर कलयुग आएगा और कलयुग के लोगों का जब खान पान खराब हो जाएगा, जिसके कारण इनका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब खराब हो जाएगा और मानो मार काट हिंसा चोरी कतरे आम व्यापार को चार में चला जाएगा, तब कुदरत दुर्घटना अकाल मौत की सजा सुनाने लगेगी। तो गीता कह रही है उस समय के इंसानों को सच्चे रास्ते पर लाके कौन खड़ा करेगा, मानवीय खान पान को कौन समझाएगा कौन बताएगा, और प्राकृतिक आपदाओं से बीमारी महामारी कष्टों से लड़ाई झगड़ों से दुर्घटनाओं से कौन बचाएगा। तो गीता क्या कह रही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां और धर्म संतापमानि संभवामि युगे युगे। प्रेमियों परित्राणाय माने समस्ती, दुख तकलीफ आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी प्रकोप दुर्घटना, इसको परित्राण कहते हैं। का ऐसा वक्त समय आ जाएगा तो संतत के रास्ते पर लाके कौन खड़ा करेगा और कुदरत के भारी प्रकोपों से कौन बचाएगा। गीता क्या कह रही है, साधु नाम
साधु संत महात्मा आएंगे, उनके द्वारा नवीन व्यवस्था का सूत्रपात होगा। वो अपनी व्यवस्था के द्वारा जीवों को बचाने के लिए आएंगे। घर को बचाने वाले का भी इतिहास संकेत आएंगे। लेकिन आपने ये चीज पढ़ी नहीं, इस पर आपने विचार किया नहीं, और वही काम करने के लिए साधु संत महात्मा तुम्हारे बीच में आए हुए हैं, और आपको अच्छे काम की, अच्छे खान पान की, अच्छी संग सोबत की, माँ बहन बेटी बहू की पहचान की आपको सलाह देती। जब तक ये नहीं आएगा समाज में सुख शांति, परिवारों में सुख शांति किसी को नहीं मिल सकती। प्रेमियों बड़ा खराब समय आ गया है, और आपको इस पर विचार करना चाहिए। जब जब खराब समय आया मानव की बुद्धि फेल हो गई, बुद्धि बल, शरीर बल, जन बल, धन बल, जब सब तरफ से फेल हो गया, तब वो पछता करके संत महापुरुषों की शरण में आता। जब तक पैसा रहेगा आप महात्माओं की बातें नहीं मानेंगे, पैसा मानने नहीं देगा। जब पैसा खत्म हो जाएगा, एकदम गरीब कमजोर हो जाओगे और परेशानियां और बढ़ने लगेंगी, तब तुम अंततोगत्वा संत महापुरुषों की शरण में तब आओगे। तभी तो लिखा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नहीं कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो तुम काहे को। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। अगर बीमारी, परेशानियां, तकलीफें, लड़ाई झगड़े ये सब ना होते और भूत प्रेत न परेशान करते होते तो आप सत्संग में कभी नहीं आते। ये इसीलिए सत्संग में आए हो, चारों तरफ से हार गए हो, परेशान हो चुके हो, तुम्हारी सुनने वाला, मदद करने वाला, सहयोग देने वाला जब कोई नहीं तब तुम सत्संग में आए हुए। आप आते कहां सत्संग? ये बीमारी तुमको ले आई, परेशानियां ले आई, लड़ाई झगड़े ले आए हैं, ये तो ये कितने अच्छे हैं, बीमारी कितनी बढ़िया जो तुमको सत्संग में ले आई। ये अगर खराब है कि अच्छी है? अगर बीमारी नहीं होती तो यहाँ नहीं आते, लड़ाई झगड़े में फंसते यहाँ नहीं आते, परेशान ना होते यहाँ आते ही नहीं तुम। और भूत प्रेत अगर यहाँ से ना भेजे जाते और तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। ये सब भेजे गए किस लिए? तुमको बुलाने के लिए। ये सब तुमको बुला के यहाँ सत्संग में ले आया, वैसे यहाँ कोई आने वाला नहीं था। ये कितने अच्छे हैं जो तुमको अच्छी जगह बुला के ले आए, और यहाँ से तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी परेशानियां, सारे दुख, तकलीफ, मुसीबत ये सब आपकी दूर हो जाएगा। अगर आपने बचनों को मान लिया और आपने शाकाहारी बनने का संकल्प ले लिया तो ये सब परेशानियां तुम्हारी खत्म हो जाए। अगर शाकाहारी नहीं बन पाए तो पीछे कुदरत खड़ी है, वो मना ले लिया। उसने रावण को मना लिया, कुंभकर्ण को मना लिया, जरासंध को मना लिया, कंस को मना लिया, अरे तुम तो एक झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुमको मनाने में कितनी देर लगी। लेकिन अभी महात्मा आपको सहूलियत से मना रहे, मान जाओ अच्छी बात, तुम बच जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा परिवार बच जाए, सामान बच जाए, वो तो हर तरफ से तुम्हारी मदद करने आएगा। जब आप नहीं मानोगे तो अपना चार्ज वो कुदरत को दे देंगे, और कुदरत आपको समझ नहीं। अभी तो तुम्हारे पर बरद हस्त है महापुरुष का, तुम्हारे पर हाथ है सिर पर, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम उसी कारण अभी बचे हो, और तुम समझते हो कि हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत है, सामान ये और वो, उससे बचे हो। अरे ये तो कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाएगा। अभी संत महापुरुषों की वाणी का प्रचार प्रसार ये वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए कुदरत नंगा नाच नहीं कर सकती है। और जिस दिन संत महात्मा अपनी वाणी को विराम दे देंगे, ये कुदरत नंगा नाच करेगी, और तुम त्राहिमाम कोराम चिल्लाओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। महापुरुषों ने इसीलिए परिचय दिया था, क्या कहा कि जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत
आत्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यार, सतगुरु का सहारा नजारा हो गया, कुदरत का
ग्रामवासियों माताएं बहने पुरुष सत्संग स्थल पर उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, जब खराब